बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। बेटा उम्मीद करते हैं आप सब घर पे सेहत व आफियत से होंगे। ये वीडियो जमात चाहरुम यानी फोर्थ क्लास के लिए है। पिछले वीडियो में हमने देखा था लेसन नंबर 7 क्या था, ये नज्म है चुड़िया और चुड़े की कहानी। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया था, हमने अल्फाज माने भी देखे थे और यहाँ तक दिए गए लफ्जों के बाहर लिखे यहाँ तक हमने देखा था। इसके बाद जो दिए गए हैं इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो क्या है, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उससे हमें सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है ताक, शेर शिकार की ताक में बैठा हुआ है। ताक यानी कि घात लगाए बैठना कि कब शिकार आए उसका शिकार कर ले। बात, हामिद बड़े और छोटों से अदब से बात करता है, ठीक है। तीसरा है लड़ना, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। खिचड़ी, अहमद को खिचड़ी बहुत पसंद है। बिल्ली, बिल्ली पालतू जानवर है। आप चाहे तो ये जुमले भी लिख सकते हैं या फिर आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखे हैं क्लास वर्क में, जो भी क्लास वर्क में लिखने हैं वो क्लास वर्क में ही लिखे। बाकी के जो है टेक्स्ट बुक के जो बिट्स है ना बेटा, इसे आप टेक्स्ट बुक में ही लिखे। इंशाल्लाह मैं पीडीएफ सेंड करूंगी, इससे पहले आपको 3 लेसन के पीडीएफ सेंड करे ना, उसे कॉपी कर लिए होंगे आप। इंशाल्लाह फिर ये पीडीएफ आने के बाद इसे मुकम्मल कर लीजिए। इसके बाद में आपको सवाल दिए गए हैं। तो पहला सवाल क्या है, बिल्ली को चिड़िया और चुड़े की लड़ाई से क्या फायदा पहुंचा। क्या फायदा पहुंचा, चिड़िया और चुड़े की लड़ाई से बिल्ली को यह फायदा पहुंचा कि बिल्ली ने एक झपटा मारा और अपने पंजे में दबोच लिया। किसको, इन चुड़िया और चुड़े को अपने पंजे में दबोच लिया। दोनों ने खिचड़ी कैसे पकाई, चूड़ा चावल लाया और चूल्हा फूका, चुड़िया मूंग का दाना लाई, इस तरह दोनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई, ठीक है। तीसरा है चिड़िया और चुड़े को लड़ाई करने से क्या नुकसान पहुंचा। क्या नुकसान पहुंचा, चिड़िया और चुड़े को लड़ाई करने से अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या कर रहे, दोनों के आपस में लड़ने की वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। चौथा सवाल है, आपस में लड़ाई करने से क्या कोई फायदा होता है। होता है नहीं, आपस में लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है बेटा। आरा समझ में, हमें आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है बल्कि मिलजुल कर हमें रहना है। इसके बाद हमने ऑनलाइन क्लास में ये सबक शुरू किया था, कौन सा था ये, बी अम्मा। सबक नंबर क्या है, 8। नाम क्या है उसका, बी अम्मा। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया था। तो यह है अल्फाज माने आपको, फर्जिंदों यानी बेटों, फर्जिंद की जमा, इत्तेहाद एका यानी मिलजुल कर साथ रहना, हिदायत सीधा रास्ता, तहफ्फुज बचाव, एतमाद भरोसा, मुत्तहिद एक साथ मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट जो है दुरुस्त तलफ्फुज से पढ़िए है यानी सही प्रोनाउंसिएशन से, खिलाफत सियासी, जिंदगी आगाज, तहफ्फुज सख्तियां, ठीक है बेटा। इसके बाद जो है सोचिए और बताइए, बी अम्मा कौन थी और इनकी पैदाइश कब हुई। कभी बी अम्मा कौन थी, बी अम्मा मुजाहिदीन आजादी मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली की वालदा थी यानी उनकी माँ थी, और उनकी पैदाइश 1852 ईस्वी में हुई थी। बी अम्मा के कितने बेटे थे, इनके क्या नाम थे। बी अम्मा के 2 बेटे थे और इनका नाम क्या था, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। उन्होंने अपने बेटों को क्या तालीम दी थी, उन्होंने अपने बेटों को ये तालीम दी थी कि अपने मजहब और मुल्क के लिए हर वक्त अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट है, नीचे लिखे जुमलों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। यानी यहाँ जो जुमले दिए गए हैं क्या वो सही है, तो सही, और अगर गलत है तो गलत का निशान हमें लगाना है। बी अम्मा अजीम मुजाहिदीन मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली की वालदा माजिदा थी, सही है। बी अम्मा की पैदाइश 1854 ईस्वी में हुई, नहीं बल्कि 1852 ईस्वी में हुई। बी अम्मा ने इस कदर सफर किए कि वो बीमार पड़ गई, सही है जुमला, हाँ ये बिल्कुल सही है। गांधी जी खुद को बी अम्मा का पहला बेटा मानते थे, नहीं बल्कि तीसरा बेटा मानते थे, इसलिए ये जुमला क्या है, गलत है। नेक्स्ट जो है, नीचे लिखे अल्फाज के मुतजाद लिखिए, आजादी कैदी, खवातीन मर्दाना, बीमार सेहतियाब, सख्ती नरमी, आगाज अंजाम, वालदा वालिद।
फिर क्या है, नीचे लिखे अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दुआ, वालिदैन हर वक्त औलाद के लिए दुआ करते रहते हैं। तकलीफ, तकलीफ में भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेटा, अहमद अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है। माँ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कैद, परिंदों को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। मशवरा, हर नया काम शुरू करने से पहले बड़ों का मशवरा लेना चाहिए। इसके बाद जो है आपको सवाल जवाब दिए गए हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। इस तरह से ये अल्फाज मैंने आपको क्लास वर्क में लिखना है, फिर और ये सवाल जवाब लिखना है। ये जो टेक्स्ट बुक के पार्ट्स में जो बता रही हूँ फिर से, इसे आप टेक्स्ट बुक में ही लिखिए, क्लास वर्क में इसे मत लिखिए। क्या है पहला सवाल, बी अम्मा कौन थी और इनके कितने बेटे थे? बी अम्मा अजीम मुजाहिदीन मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली की वालदा माजिदा थी और इनके दो बेटे थे। दूसरा सवाल है, बी अम्मा ने किस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया? किस बात पर जोर दिया सबसे? बी अम्मा ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर सबसे ज्यादा जोर दिया। तीसरा सवाल जो है, उनके ख्याल से हिंदुस्तान किस तरह आजाद हो सकता था? बी अम्मा के ख्याल से हिंदुस्तान तभी आजाद हो सकता है जब हिंदू मुसलमान मुत्तहिद होकर एक हो जाएं, मुत्तहिद यानी मिलजुल कर एक हो जाए और खद्दर घर घर फैल जाए। ठीक है, आ रहा समझ में? इस तरह से आपको सवाल लिख लेने हैं। चौथा सवाल है, वो अल्लाह से क्या दुआ करती थी? वो यानी के कौन है ये? बी अम्मा है। कौन है ये? बी अम्मा है। बी अम्मा अल्लाह से ये दुआ करती थी कि हिंदू मुसलमानों को ऐसी समझ दे कि वो इत्तेहाद यानी एकता की जरूरत को समझ ले और मुझे इतने दिन की जिंदगी दे के मैं स्वराज देख सकूं, यानी आजादी का सूरज में देख सकूं। पांचवा सवाल है, बी अम्मा बीमार क्यों पड़ गई? क्यों बीमार पड़ गई? कि बी अम्मा ने इस कदर सफर किए कि वो बीमार पड़ गई। आ समझ में? छठवां सवाल है, बी अम्मा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? कहाँ हुआ बी अम्मा का इंतकाल? 13 नवंबर 1924 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। आया बेटा समझ में? ये आपको सवाल जवाब है जो लिख लेने हैं। यहाँ तक हमने पूरे मुकम्मल कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम इसके बाद ऑनलाइन क्लास में नया सबक शुरू करेंगे जो है सबक नंबर 9, बद सूरत बतख। ठीक है बेटा, ये नोट्स आप मुकम्मल कर लीजिए, मैं पीडीएफ सेंड करूंगी इंशाल्लाह, तो इसे आप कॉपी कर लेकर मुकम्मल कीजिए। ठीक है, जजाकल्लाह खैर, अल्लाह।